देश में कोरोना के चलते बिगड़ रहे हालात के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिस्टम फेल है, इसलिए जनहित की बात करना ज़रूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिक की ज़रूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 3-4 दिनों से 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लोग संक्रमण के चलते बेहाल है। संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल भी विपक्षियों पर हमला का मौका तलाश रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी सरकार पर सवाल चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है।